हेलो एवरीवन, दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन आर। कि अगर मुझे आर के अंदर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर चाहे सेकंड ऑर्डर, तो वो कैसे हम ले सकते हैं। और अगर मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आर के अंदर, चाहे वो फाइनाइट लिमिट्स के लिए हो चाहे वो इनफाइनाइट लिमिट्स के लिए हो, तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए आर के अंदर टू प्रोसीड विद दिस क्लास। तो आई एम अज्यूम ऑल दोज वर वाचिंग दिस क्लास, दे आर अवेयर हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन आर। डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन वाले पार्ट के लिए यू शुड नो हाउ टू डिफाइन अ यूजर डिफाइन फंक्शन इन आर। उसको हम कैसे बना सकते हैं आर के अंदर। सो डिफरेंशिएशन के लिए जो भी एक्सप्रेशन है जिसका मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, या जो भी पॉलिनोमियल है जिसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, उसको हम डिफाइन करते हैं एक्सप्रेशन नाम के फंक्शन के अंदर। सो फॉर एग्जांपल, मैं एफ के अंदर एक एक्सप्रेशन अभी सेव कर दे रहा हूं। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम अपना एफ लिया है, एंड सेम मैं जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है या एक्सप्रेशन जिसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, उसको मैं से मान लेता हूं 3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस से 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स एक्स प्लस से 1। सो दिस इज माय एक्सप्रेशन जिसको मुझे क्या करना है, जिसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। सो ये एज अ फंक्शन ट्रीट होगा यहाँ पे, एक्स एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं होगा कि एक्स की कोई वैल्यू असाइंड होगी, वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी। तो जब भी आप एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो वो कभी भी आपको ग्लोबल एनवायरमेंट के अंदर दिखाई नहीं देगा एक्स यहाँ पर। और द मोमेंट यू प्रेस कंट्रोल एंटर, तो आप देखोगे यहां पर ये एफ ए एक्सप्रेशन पूरा बन के आया है, एक्स का कोई ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं बना है। डिफरेंशिएशन करने के लिए आर के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है कैपिटल डी। कैपिटल डी के साथ जैसे आप ब्रैकेट खोलते हो, यू विल सी यहां पर वो सिंटेक्स में आपसे दो चीजें मांगता है। पहला है एक्सप्रेशन, जिसको मैंने क्या कर लिया, एफ के अंदर सेव कर लिया है। अदरवाइज मैं क्या कर सकता था, ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा यहां पे कॉपी कर सकता था। कि इंस्टेड ऑफ सेविंग द एक्सप्रेशन इन एफ, मैंने क्या कर सकता था, यहां पूरा एक्सप्रेशन में टाइप करता। बट इट इज ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस कि मैं क्या करूं, एफ को यहां पर यूज, एफ के अंदर मैं एक्सप्रेशन को सेव करूं। सो आई विल यूज एफ की एक्सप्रेशन, ये है मेरा, एंड देन कोट्स के अंदर भी नेम दी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में मैं उसको क्या करना चाहता हूं, डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। तो जैसे मैं इसको कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, यू विल सी इसका जो डेरिवेटिव आएगा, 3 कॉन्स्टेंट है वो आ जाता है। इतना एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, वो ये आ चुका है। एंड देन 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर में 5 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 8x में एक्स का डेरिवेटिव 1, एंड 1 कॉन्स्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या निकल के आ रहा है हमारा, 0। तो दिस इज सिंपल, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आर के अंदर, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से समझना। मैं डी फंक्शन यूज करूंगा 2 बार, और 2 बार जब यूज करने जाऊंगा, तब मैं इस एक्सप्रेशन को ऊपर कॉपी कर ले रहा हूँ कंट्रोल सी, एंड आई एम पेस्टिंग इट हेयर। कि पहला है तो एक्सप्रेशन के लिए मेरे लिए ये काम करेगा, एंड देन अगेन आई हैव टू नेम दी वेरिएबल, देन अगेन आई हैव टू नेम दी वेरिएबल, कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आएगा, उसको फिर से मैं एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहता हूँ, डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने एक और डी बाहर निकाल रखा है। सो द मोमेंट आई प्रेस कंट्रोल एंटर अगेन, यू कैन सी आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ गया है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको ध्यान से देखें पहले यहाँ पे, एंड देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, एंड ये 2x का डेरिवेटिव आपका 2 आ गया। आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना है, तो डी के अंदर अगेन आप क्या करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉपी कर लो कंट्रोल सी, और जब पेस्ट करोगे तो कॉमा लगा के फिर से कोट्स के अंदर आप एक्स दे सकते हो। सो दिस विल बिकम द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द एक्सप्रेशन जो मैंने एफ के अंदर क्या करा है, सेव करा है। और क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी अ कॉन्स्टेंट। तो ये इवैल्यूएट करके नहीं देगा आपको डेरिवेटिव, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट कर देगा, देन कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो अपनी। सो दिस इज हाउ वी विल डील विद डिफरेंशिएशन इन आर। अच्छा, एक और चीज आप समझोगे कि आर बाय डिफॉल्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करता है। सो व्हाट आई मीन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन इज, लेट मी कॉपी दिस एक्सप्रेशन इधर से एक बार कंट्रोल सी, एंड आई एम क्रिएटिंग अ न्यू एक्सप्रेशन, एंड आई विल से नेम इट F1, एंड लेट मी चेंज द एक्सप्रेशन एज ये 3x2, 3x3, 5x2, एंड से 4 टाइम्स y2 प्लस से 7 टाइम्स y प्लस 2। दिस इज माई न्यू एक्सप्रेशन नाउ। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, या तो x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में। सो लेट मी रन दिस एक्सप्रेशन कंट्रोल एंटर,
मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है, और जब मैं डेरिवेटिव अब अप्लाई करूंगा डी, तो फंक्शन तो मेरा एफ वन है जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, एंड सेम मैं वेरिएबल एक्स ही रखता हूँ पहले। तो मोमेंट आई प्रेस कंट्रोल एंटर, यू कैन सी ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकल के आया, और उसने वाई को क्या ट्रीट करा, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करा, क्योंकि आप देखोगे वाई वाली कोई भी टर्म आपके डेरिवेटिव के आंसर में निकल के नहीं आ रही है। सिमिलरली अगर आप डी ऑफ एफ वन कॉमा कोट्स के अंदर वाई लिखते हो, तो ये डिफरेंशिएट करेगा फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, एंड इट विल ट्रीट एक्स एज कॉन्स्टेंट। अगर आप ये चाहते हो कि ये एक्सप्रेशन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो और फिर जो आंसर आए उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मेरा ये फंक्शन इवैल्यूएट करके दे ही रहा है मेरे को, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और जब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं इसका दोबारा, तो डी के अंदर आई विल कॉपी दिस फंक्शन एज एक्सप्रेशन एंड आई विल चेंज माई वेरिएबल टू वाई। मेक श्योर आप कॉमा लगा के वाई लिख रहे हो। तो अब इसका मतलब क्या है कि पहले एफ वन का डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जो आंसर आएगा देन उसका डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो कंट्रोल एंटर हम दबाते हैं, यू कैन सी आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, जीरो। क्यों जीरो आया आंसर, अब उसको हम फटाफट चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करा तो एक्स का फंक्शन बचा, वाई तो मेरा क्या हो गया, पूरा ऑमिट हो गया। एंड देन अगर मैं उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो वाई बची नहीं रहा एक्सप्रेशन में कहीं, तो इसलिए आंसर क्या निकल के आ रहा है मेरा, जीरो। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन इन आर। नेक्स्ट टास्क है हमारा समझना, इंटीग्रेशन करना है अगर आर में तो वो हम कैसे करें। सो इंटीग्रेशन के लिए भी इनबिल्ट फंक्शन आर के अंदर है, एंड दैट फंक्शन इज इंटीग्रेटेड सेल्फ। मैं एक बार आपको उसका फटाफट सिंटेक्स दिखा देता हूं। सो इंटीग्रेट, दिस इज द फंक्शन, कंट्रोल एंटर, एंड आप यहां पे हेल्प में जाके देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर आपको सिर्फ एक ऐसे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करके दे सकता है जिसके अंदर एक वेरिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली हम एफ एक्स लिखते हैं, अगर एफ एक्स कॉमा वाई जैसी कोई चीज आती है तो वो हम इस इंटीग्रेट फंक्शन के थ्रू इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियरली समझनी है। सिंटेक्स में हम सारी चीजें यूज नहीं करेंगे, वी विल कीप इट सिंपल। तो इंटीग्रेट फंक्शन है मेरा, एफ अगेन वो फंक्शन है जिसको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, एंड लोअर एंड अपर विल डिफाइन योर लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। कि जब आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो तो क्या लोअर लिमिट यूज करोगे आप, और क्या उसके लिए आप अपर लिमिट यूज करोगे, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगेन पहले मुझे, मैंने क्या बोला, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा एफ के अंदर, एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट फंक्शन हैज ओनली वन आर्ग्यूमेंट। यानी फॉर एग्जांपल से मैं एक फंक्शन बनाता हूं एफ एक्स, और उसमें मैं सेव कर रहा हूं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन विद सिंगल आर्ग्यूमेंट एक्स। तो फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता था, हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एंड यहाँ पे वी विल गिव द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो दिस इज अ सिंगल एक्सप्रेशन। अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल से मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो एक सिंगल लाइन का मेरा एक्सप्रेशन है, तो आई एम नॉट यूजिंग रिटर्न ओवर हियर, एंड डायरेक्टली ये फंक्शन मुझे अपना आंसर निकाल के दे देगा। वो मैं चेक कर सकता हूं कि अगर मैं बोलूं कि मुझे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए से एट टू, तो दिस शुड गिव मी आंसर कितना, फोर। कि एक्स की जगह टू रखने से टू का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू सेवन पे निकालता हूं, तो दिस शुड गिव मी आंसर क्या मेरा, 49। यानी जो फंक्शन बनाया है वो हमने ठीक तरीके से बना लिया है। एंड नाउ आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, तो हम फंक्शन यूज करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट के अंदर सिंटेक्स में पहली चीज क्या है, नाम, जो भी फंक्शन का आपने नाम दिया है। तो मैंने फंक्शन बनाया है एफ एक्स के नाम से, एंड देन आई हैव टू स्पेसिफाई माय लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। से आई एम सेइंग माय लोअर लिमिट इज 3 एंड अपर लिमिट इज से 5। सो आप चाहो तो लोअर एंड अपर साथ में लिख सकते हो ऐसे करके कि लोअर इज इक्वल टू 3 एंड अपर इज इक्वल टू 5। और अगर आप नहीं भी लिखते हो तो आर विल अंडरस्टैंड कि पहला आर्ग्यूमेंट लोअर के लिए है, दूसरा आर्ग्यूमेंट किसके लिए है, अपर के लिए है। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल गिव यू आंसर विद एक्यूरेसी लेवल एज वेल। अब वो बता रहा है कि हमने ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करा है विद एब्सोल्यूट एरर विच इज लेस देन दिस नंबर। ये नंबर अपने आप में ही जीरो से बहुत बहुत क्लोज नंबर है, और उससे भी कम एब्सोल्यूट एरर के साथ आपको उसने इंटीग्रेट करके आंसर सॉल्व करके दिया है। सो हम यूजुअली ये एरर तो रिपोर्ट नहीं करते हैं, एट टाइम्स आपको जरूरत जो पड़ेगी जब इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे आप, तो आपको इसी एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो बेटर प्रैक्टिस इज कि आप यहां पर फंक्शन के साथ लिख लो डॉलर वैल्यू, तो वो सिर्फ उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, और क्या कितना एरर रहा, किस एरर के साथ उसने इवैल्यूएट करा, वो वहां पे सॉल्व नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इंटीग्रेट फंक्शन। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, से आप, मैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
आपको ये इंटीग्रल वेरीफाई भी करा दूंगा किस तरीके से काम करता है। से हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, एंड इफ यू रिमेंबर, से मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल, एंड से उसका पैरामीटर इज 5, और लेट मी सिंपल टेक पैरामीटर एज 1, ठीक है। तो आर के अंदर एक्सपोनेंशियल का इनबिल्ट फंक्शन भी है, बट आई विल क्रिएट दैट फंक्शन। तो मैं बोल देता हूँ एफ ई एक्स पी इज द नेम ऑफ द फंक्शन, कि दिस इज माई फंक्शन, और इसके अंदर फंक्शन की बॉडी में एक सिंगल आर्ग्यूमेंट एक्स रखना है, एंड हेयर आई कैन कोड द पीडीएफ। तो पीडीएफ इज ई रेज टू द पार, सॉरी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। दिस इज द पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर 1, लैम्डा ई रेज टू द पार माइनस लैम्डा एक्स इज द एक्सप्रेशन, और लैम्डा क्या है मेरा 1। सो एफ ई एक्स पी मेरा फंक्शन यहाँ पे बन के आ गया। अब मैं चाहता हूं सपोज इवैल्यूएट करना फर्स्ट प्रिंसिपल से इसके लिए प्रोबेबिलिटी की एक्स जो है वो आपका से 4 से लेकर 9 के बीच में लाया करेगा, मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से जाएं, भूल जाएं इसका कोई वेल डिफाइंड सीडीएफ होता है, सब कुछ एक बार दिमाग से निकालते हैं, और मैं इंटीग्रेशन के थ्रू इस आंसर को निकालना चाहता हूं, तो आई विल यूज इंटीग्रेट फंक्शन। फंक्शन को मैंने सेव करा है एफ ई एक्स पी के नाम से, और जब इस प्रोबेबिलिटी को आप कॉपी पे सॉल्व करोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आप अपना इंटीग्रल जो भी बनाओगे उसकी लिमिट कहां से कहां तक लेके जाओगे, 4 से लेकर 9। सो 4 इज माई लोअर लिमिट, 9 इज माई अपर लिमिट, कंट्रोल एंटर। सो दिस इज योर आंसर विद एब्सोल्यूट एरर। अगर आप इसमें डॉलर वैल्यू लगा दोगे खाली, तो उस केस में वो आपको एरर स्पेसिफाई नहीं करेगा, सिर्फ आपको आंसर निकाल के दे देगा। एंड नाउ आई विल वेरीफाई दिस आंसर यूजिंग द इनबिल्ट कोड्स जो आर के अंदर होते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए। सो इफ यू रिमेंबर, हम क्या करेंगे आर में, अगर ये प्रोबेबिलिटी मुझे इवेल्युएट करनी होती तो ऑब्वियसली मैं कभी भी इंटीग्रेट नहीं लगाऊंगा। समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिया है कि आप इस प्रोबेबिलिटी को ऐसा लिख सकते हो, एक्स इज लेस देन 9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4। दिस शुड बी माई एक्सप्रेशन जिस तरह से हम इस प्रोबेबिलिटी को इवेल्युएट करेंगे। To calculate this probability, probability of x less than 9, we can use PEXP function. PEXP में हम लोग क्या use करते थे, सबसे पहले कि किस point पर आपको CDF evaluate करना है, तो that is 9, and then your parameter value, which in my case is 1. And similarly, इसके लिए हम use करेंगे PEXP 4,1. Control enter, and you can see आपका answer exactly क्या आ रहा है, same आ रहा है. So there were instances कि आर में इनबिल्ट पीडीएफ कोडेड नहीं है, या फिर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं, ऐसा कोई पीडीएफ आपके पास आ जाता है जो आर में कोडेड नहीं है और मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए इस इंटीग्रेशन का सहारा ले सकता हूं। एक और चीज मैं यहां पे साथ साथ कवर कर दूं कि मान लो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो पहले अगर आर के अंदर इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे तो हम बोलेंगे पीईएक्सपी 2,1, लोअर इज इक्वल टू फॉल्स, ताकि वो इंस्टेड ऑफ गिविंग लेस देन मुझे ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी देने लगे। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। अब यही आंसर मैं इंटीग्रेट फंक्शन के थ्रू निकालना चाहता हूं, तो आई विल से आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट, माई फंक्शन नेम इज एफ ई एक्स पी, दिस माई फंक्शन नेम, माई लोअर लिमिट इज 2 एंड माई अपर लिमिट इज इंफिनिटी। तो आर के अंदर अगर इंफिनिटी लिखना है तो आई एन एफ अगर आप टाइप करोगे तो कैपिटल आई एन और एफ आपका स्मॉल में होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कोडेड है आर के अंदर। प्रेस कंट्रोल एंटर एंड यू कैन सी दिस इज योर आंसर जो आप ऊपर से मैच करा सकते हो। तो आप अगर इंफिनिटी भी टाइप करना चाहो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या कोई भी लिमिट में आप सॉल्व करना चाहो, आप इजीली आर के अंदर इंटीग्रेट फंक्शन को यूज कर सकते हो। अगर मैं यूज करूं से इंटीग्रेट एफ ई एक्स पी 0,∞, तो दिस इज होल रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल, और इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कि अगर मैं कंप्लीट रेंज पर इंटीग्रेशन करूं तो मेरा आंसर क्या मिलना चाहिए, मुझे 1 मिलना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इन आर। थैंक यू।